Welcome class. This is Butterfly Maths class 2. Chapter number 7, page number 66. Today our topic is solve the following word problems in your notebook. इन क्वेश्चंस को हमने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है. सब बच्चे इसको करने के बाद अपनी अपनी नोटबुक्स पे राइट करेंगे इसको. इसमें क्या है, लास्ट लेक्चर्स में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो इस फॉर्म में थे, कुछ इस फॉर्म में थे, कुछ इस फॉर्म में थे, लेकिन मेथड इनका सेम था. करना इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन ही थी, इसमें हमने टेबल ही पढ़ने थे, लेकिन ये इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो गई. इसमें हमने इनको पढ़ना है, रीड करना है, समझना है और देन इनको राइट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वन बॉक्स हैज सिक्स कुकीज. वन बॉक्स, कितने बॉक्स है, वन हैज सिक्स कुकीज. एक बॉक्स में कितने बिस्किट्स हैं, कितने कुकीज हैं, सिक्स. इफ अहमद बॉट फाइव बॉक्सेस, अगर अहमद फाइव बॉक्सेस खरीदता है, हाउ मेनी कुकीज विल वी हैव, तो हमारे पास टोटल कितने कुकीज होंगे. सो हमने इसमें ये बताना है एक बॉक्स की कुकीज कितनी थी, सिक्स. अगर अहमद के पास फाइव बॉक्सेस और हैं तो उनमें कितनी कुकीज होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्स लिखे यहाँ पे और फाइव हमारा आ गए, तो सिक्स को मल्टीप्लाई करो फाइव तक, फाइव से यानी सिक्स का टेबल फाइव तक पढ़ो या फाइव का टेबल सिक्स तक पढ़ो, आंसर सेम आएगा. सिक्स फाइव आर थर्टी, सिक्स फाइव आर थर्टी, सिक्स फाइव आर थर्टी. ओके, अहमद के पास टोटल कितनी कुकीज हैं, थर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारा इज मेकिंग टू ब्रेड ऑन ईच ऑफ हर फ्रेंड्स. सारा अपने हर फ्रेंड के सर पे टू टू ब्रेड्स बनाती है, यानी दो दो छोटी छोटी चुटिया सब बच्चियां लगाती हैं सर पे अपने बालों को कवर करने के लिए वो ब्रेड्स. इफ शी ब्रेडेड द हेयर ऑफ 10 फ्रेंड्स देन हाउ मेनी ब्रेड्स डिड शी मेक. अगर सारा अपने 10 फ्रेंड्स के हेयर्स पे ब्रेड्स बनाती है तो वो टोटल कितने ब्रेड्स बनाएगी. हर फ्रेंड के सर पे कितनी ब्रेड्स हैं, टू ब्रेड्स. सो टू हम यहाँ पे राइट करेंगे, 10 हम यहाँ पे यहाँ राइट करेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक, चाहे 2 का टेबल 10 तक पढ़े या 10 का टेबल 2 तक पढ़े, आंसर हमारे पास आएगा सेम. 2 10s are 20 या 10 2s are 20. तो उसने टोटल कितनी ब्रेड्स बनाई अपनी फ्रेंड्स के सर पे, 20 ब्रेड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बंच हैज 9 फ्लावर्स. एक बंच में कितने फ्लावर्स हैं, 9 फ्लावर्स. कितने फ्लावर्स हैं, 9, यानी एक जो गुलदस्ता है छोटा उसमें कितने फ्लावर्स हैं, 9 फ्लावर्स. इफ यू हैव 6 ऑफ दीज बंचेस, अगर आप 6 गुलदस्ते रखते हैं जिनमें 9 फ्लावर्स हैं, कितने गुलदस्ते हैं हमारे पास टोटल, 6. हमारे पास 6 गुलदस्ते हैं, बंचेस हैं, उनमें कितने कितने फ्लावर्स हैं, 9. हाउ मेनी फ्लावर्स डू यू हैव, अब हमें बताना है कि हमारे पास टोटल फ्लावर्स कितने होंगे. सो 9 फ्लावर्स और कितने हमारे पास बंचेस कितने थे, 6. सो 9 इंटू 6, 9 का टेबल 6 तक पढ़े, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 54. 9 6 आर 54, 9 6 आर 54. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अली ईट्स 2 एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. अली नाश्ते में कितने एग्स खाता है, 2 एग्स. एवरी डे अली रोजाना ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खाता है, हाउ मेनी एग्स डस ही ईट इन अ वीक. अब हमें बताना है कि अली एक हफ्ते में कितने एग्स खाता है, जबकि उस पत्र पर बताया गया है कि अली हर रोज ब्रेकफास्ट में कितने एग्स खाता है, 2. तो हमने इसमें बताना है कि एक वीक में कितने खाएगा. अब एक वीक में कितने डेज हैं, 7. संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. तो कितने वीक, एक वीक में कितने डेज है, 7. सो हम क्या करेंगे, 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7. अब इनका टेबल पढ़े, 2 का टेबल 7 तक पढ़े या 7 का टेबल 2 तक पढ़े, आंसर आएगा सेम, 2 7 आर 14, 2 7 आर 14, 2 7 आर 14. A family of 8 members went to buy gloves. अब एक फैमिली ग्लव्स खरीदने गई और उस फैमिली में कितने मेंबर्स थे,
members. If each member bought one pair, अगर उस फैमिली का हर एक जो मेंबर है वो एक पेयर खरीदता है, एक पेयर में कितने कितनी चीज होती है? दो. हमेशा हम दो चीजों को पेयर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हाउ मेनी ग्लव्स विल दे बाय ऑल टुगेदर, तो वो टोटल कितने ग्लव्स खरीदेंगे? हम क्या करेंगे, एट को मल्टीप्लाई करेंगे टू से. एट मल्टीप्लाई बाय टू, एट टू आर 16. इसमें भी हम सेम मेथड करेंगे जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया सबको, इसी तरह 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6. तो अपने उस पूरी फैमिली में टोटल कितने ग्लव्स गए, 16. सो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे, अब सब बच्चे इसको समझें और अपने अपने नोटबुक्स पे राइट करें. ये था आपका पेज नंबर 66. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.